एक मुझे बात याद आई, मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, काफ़ी दिनों से भूल ही जाता हूँ। देखें, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं ना, व्हाट्सएप पर मैसेज का ये सीन होता है, ये देखें मुस्तकिल, ये मैंने एक एक महीने के मैसेज नहीं पढ़े हुए, ये सारे मैसेजेस जो है वन रीड है। तो आम तौर पर मैसेजेस पढ़ने का बहुत कम मौका मिलता है, ये आप देख रहे हैं मुस्तकिल, ये ग्रीन डॉट तो आपको नज़र आ रहा होगा, ये अनरीड मैसेजेस का ही होता है। और इसमें ग्रुप कोई भी नहीं है, ये सारे कॉन्टेक्ट्स हैं। ग्रुप मेरे ख्याल में दो या तीन ग्रुप्स, ज़रूरी ग्रुप्स में मैं ऐड हूँगा तो हूँगा। हाँ, ये कुछ ग्रुप्स हैं बुलबुल मदीना के हमारे। तो मैं आपको बताऊँ, अगर जो दोस्त स्टेटस मुझसे मांगते हैं ना, तो मसला ये है कि स्टेटस में जाहिर सी बात है इतने कॉन्टेक्ट्स हैं तो मैं हर एक को तो शेयर नहीं कर सकता, और फिर वीडियो मांगते हैं। तो आपको पता है फ़ोन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, 6-8 GB रैम का भी क्यों ना हो, लेकिन फ़ोन बहरहाल स्लो हो जाता है। इस सिचुएशन में तो ही जाएगा, शायद सदर वजीर आजम का भी इतना रश नहीं होगा व्हाट्सएप का जितना ये सिलसिला, ये देख चल ही रहा है। ये एक महीने पुराने मैसेजेस अब तक मैंने नहीं पढ़े। कभी कभी किसी की कॉल आ जाती है तो मैं वो मैसेज आमतौर पर देख लेता हूँ, वरना आमतौर पर यही सिचुएशन चल रही है। तो कोशिश करें मैसेज करें, तो अगर ज़रूरी ना हो तो जवाब का इंतज़ार करें, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो कॉल कर दें। अब मुझे पता है बहुत ज़्यादा कॉल शुरू हो जाएंगी, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो कॉल कर दें, तो उससे ये होगा कि मैं आपका मैसेज पहले देख लूँगा। ये देखें मुस्तकिल, अब तक यही मसला है, ये आप देख रहे हैं ये चल रहा है, ये एक महीने तक अब नीचे चलेगा। मैं कल थोड़ा सा रात में फारिग हुआ था तो 1 मार्च तक पहुँचा था, यानी आज है 27 मार्च, यानी 27 दिनों का मैसेज अभी बाकी है। तो ये सिचुएशन है। स्टेटस के लिए ये हो कि जो मैं स्टेटस लगाता हूँ ना, हमारे मोहतरम इकबाल यूसुफ भाई है, बहुत मेहनती आदमी है, बहुत एनर्जेटिक आदमी है, और बड़ा उन्होंने काम हमारा सोशल मीडिया का काफ़ी हद तक संभाला हुआ है। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने ग्रुप में वो स्टेटस लगा देते हैं जो मैं लगाता हूँ या मेरा ये फ़ोन जिसके पास होता है। अब तो खैर मेरे ही यूज़ में है फ़िलहाल, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मेरे यूज़ में नहीं होता, हसन भाई देखते हैं, अनस भाई देखते हैं, या कोई और बच्चा देखता है, तो वो मैसेजेस के जवाब मेरे बिहाफ़ पर देते हैं। उनको ये अलाउ नहीं है कि मुझसे पूछे बगैर जवाब दें। तो मैं जैसे कोई और काम भी कर रहा हूँ तो साथ में उनको रिप्लाई भी लिखवा देता हूँ, या मैसेज बता देता हूँ, या कोई लिंक वगैरह भेजना होता है, या कोई वीडियो क्लिप भेजना होता है, या कोई सवाल का जवाब देना होता है, तो अक्सर माशाल्लाह उनकी प्रैक्टिस हो गई कि वो खुद निकाल कर भी दे देते हैं। तो कोशिश करें कि जब आपको स्टेटस चाहिए ना तो मैसेज ना करें सेंड प्लीज़। मुझे बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, आप लोग इतनी मोहब्बत करते हैं। तो उसके लिए ये करें कि इकबाल यूसुफ भाई का नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, 0333-243-521। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, इस क्लिप को मैं अलग से निकाल भी लूँ तो ये नंबर लिखा हुआ भी आपके पास आ जाएगा। जो बाहर के दोस्त हैं इंडिया के, UK, साउथ अफ्रीका वगैरह के, तो वो क्या करें, +92 डालेंगे, वो तो उनको तो पता ही है, तो +92 करके फिर 333-243-521 आप ये नंबर अपने पास सेव कर लें इकबाल यूसुफ भाई के नाम से, और इनको कहें कि आप हमें ग्रुप में ऐड कर लें। तो हमारे कई ग्रुप्स बने हुए हैं, एक ग्रुप नहीं, एक ग्रुप में 256 आ सकते हैं, तो हमारे कोई कई ग्रुप्स बने हुए। फिर फीमेल ग्रुप अलग है, ख़वातीन का ग्रुप ये अलग है, तो बड़ा इससे अच्छा हो जाता है कि ग्रुप में एक मैसेज चला जाता है, वो ग्रुप बनता है इसीलिए कि एक वक्त में कई लोगों को हम, ये देख रहे हैं आप, तो बस ये कुछ बताना मकसूद था आपको, तो आप इसको महसूस ना किया करें कभी। अच्छा, फिर जवाब तो दे दें, फिर सवाल भी आपका ऐसा ही हो, क्या हाल है, क्या कर रहे हैं, और सुनाएं तबीयत कैसी है, तो आप खुद सोचें ये बंदा जो इतना बेचारा परेशान हो इस हवाले से, परेशानी मुझे नहीं होती, अल्लाह का शुक्र है, आप लोग मोहब्बत करते हैं, दिल बहुत खुश होता है, और यकीन जाने मैं बहुत अंदर से खुशी महसूस करता हूँ कि ये सरकार की नात का सदका है। लेकिन जाहिर सी बात है बशरी तकाजे हैं, कुछ मजबूरियाँ होती हैं, तो उन सबको भी जो है वो फेस करना होता है, तो ये सारी चीज़ें, तो इसको थोड़ा सा देखें, तो ये चल ही रहा है ना, देखें ये मैं चलाता रहूँगा, शायद 2-4 मिनट और भी नीचे तक चलता रहे। और कॉन्टेक्स्ट मैं आपको दिखाऊँ, मैं अपने, तो मेरे साथ मजबूरी है ये, तो इस मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा मेरा साथ दें। अच्छा, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ, ये कॉन्टेक्ट आ गई, आप देखें ये आपको शायद नज़र आ रहे हो, 9159, 9159 लोग व्हाट्सएप पे मुझसे रबते में। अब मिसाल के तौर पर अगर 200 या 300 लोग भी रोज़ मैसेज करते हैं तो आप बताएं क्या मेरी हालत होती होगी। और फिर मैसेजेस भी ऐसे होते हैं कि जो फॉरवर्डेड होते हैं, फिर गैर ज़रूरी मैसेजेस भी होते हैं इसमें, तो कोशिश करें कि थोड़ा सा मेरा ख्याल कर लें, अल्लाह पाक आपको इसकी जजा दें।